नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाबालिग से रेप के आरोपी दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टरेट को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस भी डिप्टी डायरेक्टरेट के घर पहुंची थी। माना जा रहा है कि जल्द ही डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार किया जा सकता है। दरअसल डिप्टी डायरेक्टर पर अपने दोस्त की बेटी से कई महीनों तक रेप का आरोप लगा है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने रविवार को बताया था कि दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी पर अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ कथित तौर पर कई बार रेप करने का मामला दर्ज है। दरअसल नाबालिग अपने पिता की मौत के बाद 1 अक्टूबर 2020 से दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के घर पर रह रही थी। फिलहाल जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें, रेप का आरोपी डिप्टी डायरेक्टर गिरफ्तार हो चुका है और इसी के साथ आपको बता दें बड़ी कार्रवाई की गई है, सस्पेंशन की कार्रवाई भी की गई है। केजरीवाल का यह बड़ा निर्देश जारी कर दिया गया है और इसी के साथ एमडब्ल्यूसीडी के अधिकारी की काली करतूत सामने आने के बाद पुलिस भी एक्शन मोड पर आई, जिसके बाद गिरफ्तारी का कार्रवाई भी की गई है। और इसी के साथ आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है और दोस्त की बेटी से रेप करने का आरोप था, कई बार दोस्त की बेटी के साथ रेप करा और उसके बाद मामला दर्ज था, जिसके बाद अब ये एक्शन लिया गया है। एमडब्ल्यूसीडी के अधिकारी की काली करतूत सामने आई है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ये एक्शन लिया है कि उन्होंने निर्देश जारी करे हैं कि जल्द से जल्द इन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। आपको बता दें स्वाति मालीवाल ने भी इसको लेकर एक ट्वीट जारी किया है, जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही हैं कि इस तरीके के अपराधियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। और इसी के साथ तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है। एमडब्ल्यूसीडी के अधिकारी की काली करतूत सामने आने के बाद अब पूरा दिल्ली सरकार भी एक्शन मोड पर आती नजर आ रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं और इसी के साथ दोस्त की बेटी से रेप करने का आरोप था, जब बेटी के पिता की हत्या हो गई थी और उसके बाद जब ये मामला संज्ञान में आया तो कई बार उस अधिकारी ने उस बेटी के साथ रेप किया। बेटी अधिकारी के घर पर रहा करती थी, जिसके बाद कई महीनों तक वो उसके साथ रेप करता रहा और इसको लेकर मामला दर्ज कर दिया गया। और उसके बाद ये मामला जब संज्ञान में आया, वो प्रेग्नेंट भी हो गई, तो उसके बाद ये मामला संज्ञान में लेते हुए पुलिस एक्शन मोड पर नजर आई, जिसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की गई है। और इसके अलावा अब लगातार हम आपको न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से भी अपडेट करा रहे हैं कि ये मामले को लेकर अब एक्शन मोड पर पुलिस नजर आ रही है। स्वाति मालीवाल का ट्वीट भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, जहां पर उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं कि अब अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और इस तरीके की कानून व्यवस्था को भी नहीं बख्शा जाएगा जब तक अपराधी बेखौफ सड़क पर घूमते नजर आएंगे। और इसको लेकर अब अपराधियों के किसी भी आपराधिक घटनाओं को नहीं बख्शा जाएगा, सभी को संज्ञान में लेते हुए अब एक्शन मोड पर पुलिस को आना पड़ेगा और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी। और इसको लेकर पूरा मामला भी सामने आया था कुछ समय पहले और उसके बाद अब ये मामला और भी ज्यादा उजागर हो चुका है, जब केजरीवाल ने खुद इसको संज्ञान में लेते हुए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे और इसी के साथ सस्पेंशन की कार्रवाई भी की गई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता नेहा विश्वकर्मा भी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। नेहा, लगातार केजरीवाल दावा करते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम करेंगे, महिला के विकास को लेकर काम करेंगे, लेकिन खुद की सरकार में बैठे हुए ऐसे अधिकारी हैं जो रेपिस्ट है और फिर उसके बाद कार्रवाई की जाती है सिर्फ सस्पेंशन की। जी निशी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जैसे पद पर तैनात एक व्यक्ति जो अपनी ही दोस्त की नाबालिग बच्ची के साथ लगातार काफी लंबे समय से रेप की घटना को अंजाम दे रहा था, इस दौरान उस पर कई गंभीर आरोप है और इसमें उसकी पत्नी भी संलिप्त बताई जा रही है। क्योंकि अगर जानकारी की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि रेप के बाद जो है जो 14 साल की लड़की थी वो गर्भवती भी हुई थी, जिसको लेकर अधिकारी की पति ने उसको गर्भपात की दवाइयां भी खिलाई हैं और ये पूरे मामले में लगातार जो है
दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है, उसके घर भी पहुंची थी। और बात अगर दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जाए तो उन्होंने अधिकारी को लेकर निर्देश दिए हैं कि उसे तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए। निशी, और इसी के साथ सिर्फ सस्पेंशन की कार्रवाई होगी या फिर इसके अलावा भी कोई और स्टेप लिया जाएगा उस अधिकारी के खिलाफ? बिल्कुल निशी, उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें धारा 376, 506 समेत कई गंभीर धाराएं शामिल होंगी, जिसके तहत उस पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी की भी बात कही जा रही है। और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस लगातार नजर बनाए हुई है, क्योंकि ये मामला 2020 का है, जब लड़की के पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद जो है वो आरोपी के घर में रही थी, और उस दौरान से लेकर वो लगातार उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दे रहा है। और अब जब ये मामला पूरा मीडिया में आ चुका है, पूरी तरह से इस पर स्वाति मालीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो बेहद जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस फिलहाल एक्शन मोड में है। जी बिल्कुल नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।